लखनऊ के भिटौली तिराहे पर शालीमार मेडिकल स्टोर एवं अलसाफी पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जिसमें डॉक्टर नदीम अहमद एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हुसना परवीन ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर आने वाले मरीजों को दवाओं पर उचित छूट दी जाएगी, साथ ही उन लोगों का उचित उपचार किया जाएगा। सर, ये जो आपने हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे मरीजों को? फैसिलिटी जो पर मेरा मेन अपना ये है कि दवाएं जो कम से कम हैं या यहाँ पे जो सर्विसेज हम दे सकते हैं, जो नीडी पर्सन है उनको हम जितना बेहतर यानी कम रेट पे डिस्काउंट पे दवाएं भी दें और उनका ट्रीटमेंट भी दें, ये हमारा मेन है। डेफिनेटली हमारा अपना मोटिव तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो भी इस तरीके के हमारे पास आते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिकली ऐसा है कि आपने ये सोचा है कि आप गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। ये मेरा पहला है। सेकेंडरी मेरा अपना जो ये है, पहला ये है कि जो भी हमारे पॉसिबिलिटी है वो हम हेल्प करेंगे। बाकी मैम जो हैं आपके साथ डॉक्टर हुसना जी, डॉक्टर हुसना परवीन, हुसना परवीन, उनका भी वो मेन चीज़ है, वो लेडीज स्पेशल लेडीज़ को अटेंड करेंगी। मतलब वो किस गायनिक नहीं, वो ये है कि गायनिक कैसे जितने हैं या लेडीज से रिलेटेड जो भी होती हैं वो उसको देखेंगे। अच्छा, तो जो भी हो सकता है वो मैं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो लोकल मेडिसिन बहुत सी आ रही है जो और पेशेंट के लिए हानिकारक है, उस तरह की मेडिसिन हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे रखें कि जो है, और जो मेडिसिन है उस पर जितना परसेंट डिस्काउंट हो सकता है, ताकि अगर कोई ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, मेडिसिन कितनी है उससे हम देखेंगे कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट जितना जो हमारे अफोर्ड कर सकते हैं, देखना कोई संस्था नहीं है कि मतलब जुड़े हुए हैं तो उससे हम ये हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उनको। थैंक यू सो मच। आज जो आपने इस क्लिनिक का उद्घाटन किया है, क्या सोचकर आपने इसका उद्घाटन किया है? तो मेरा सबसे पहले हमारी अपनी सोच नहीं थी यहाँ पर क्लिनिक डालने की, ये डेफिनेटली ये तो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन उसके साथ हमारा ये है कि जो भी हो सकता है, बहुत से आदमी हम देखते हैं कि जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगर उनको कुछ रुपये दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जहाँ तक हमारे उसमें है लिमिट में हम उसको पूरा करें। ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर को ईश्वर का रूप जाना जाता है, लेकिन इस वक्त डॉक्टर ही भक्षक बने जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता के दवाइयों को लेकर या कोई भी ऐसा मेडिसिन को लेकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये तो हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, सिर्फ डॉक्टर फील्ड में नहीं, हर फील्ड में है। ये अपनी हमारी अपनी सोच है कि आदमी किस सोच का है, किसी एक फील्ड से बोलना जोड़े इसको कि डॉक्टर फील्ड से है, हर फील्ड में इस तरह के लोग हैं। एक कोई मरीज के बारे में बता सकते हैं कि जैसे कि आजकल नॉर्मल है बुखार, तो बुखार के बारे में कौन सी दवा किस तरीके से खाया जा सकता है इसके बारे में, या अगर उसके पास मेडिसिन नहीं है तो कोई अच्छा उपचार है जो जिससे जब तक उसका बुखार कंट्रोल में हो सके? है उपचार तो है, लेकिन इस पे डिटेल जो है मैं चाहूँगा खुद हमारे डॉक्टर साहब आए और आपको डिटेल में बताएं। आजकल गर्मी का सीजन है और बुखार ज्यादातर लोगों को पकड़ लेता है, तो जब तक उसको मेडिसिन नहीं मिलता है तब तक उसको क्या करना चाहिए जिससे कंट्रोल में रहे? बेस्ट ऑप्शन यही है कि विदाउट मेडिसिन वो स्पंजिंग करें, ठीक। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल डेज में पेशेंट्स आउट होते हैं, लोग आउट होते हैं, दिन में होते हैं, गर्मी में होते हैं, उससे ये होता है कि ऑटोमेटिक उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो वो अगर थोड़ा सा उसमें थकान की वजह से फीवर का टेम्परेचर उनका रेज होता है, तो वो थोड़ा अगर घर जाके रेस्ट करेंगे, वो कहते हैं प्लेंटी ऑफ लिक्विड लेंगे, तो ऑटोमेटिक उनको वो चीज़ मिलेगी कि हाँ उनका टेम्परेचर रेज नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल डेज में यही होता है कि दिन भर धूप में होता है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि गर्मी के सीजन में ज़्यादातर देखने को मिलता है लोगों को चक्कर आ जाता है, तो
आखिर पानी की कमी की वजह से होता है, तो इंसान कितना पानी पीना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर्स डेली मिनिमम है। तो उसके बाद उसके साथ उनको थोड़ा सा अगर चाहिए थोड़ा सा ग्लूकोज ज़्यादा लें, ठीक है। जैसे कि आप पानी अगर ले रहे हैं कहीं बाहर निकल रहे हो तो आप प्लेन वाटर लेके ना निकले बॉटल, क्योंकि बहुत जगह होता है कि जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है, पानी मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो बेटर यही है कि पानी आप साथ में अपना लेके चलो, उसमें ग्लूकोज का पाउडर भी ऐड करके चलो। कहीं भी नीड हो तुरंत आप लोगों तो आपको ग्लूकोज का पाउडर फॉर्म में लोगे तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, वो इंस्टेंट एनर्जी है। आखिरी सवाल ये है आपसे कि इतने बुलंद हौसले पर आप बैठी हुई हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे अब्बा जी, उनका सपोर्ट आपको मिला है। थैंक यू। मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम पे ऐसा होता है कि लोगों को बीपी से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वगैरह ज्यादा उनका डाउन रहता है। ये वेदर ऐसा है कि आप सडन रिकवर नहीं हो पाते हो। तो इस हालत में क्या करना चाहिए, ऐसा कि आप वो नॉर्मल कंडीशन में रहो, आपका टेम्परेचर डाउन ना हो। इसमें ये लाइफ टाइम लाइफ स्टाइल डिजीज है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, खाने पीने के सिस्टम को जो हम लोग न्यूट्रिशन लेकर ज़्यादा प्रॉपर ध्यान देना होगा कि जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है, जिसे नमक है आपका और फैटी चीज़ें हैं, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो इस चीज़ों को कंट्रोल करना जो होता है। इसमें अगर इस चीज़ को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, अदरवाइज लो हो जाता है तो उसमें तो कोई ग्लूकोज दे दीजिए, ORS दे दीजिए, पानी पिलाइए, उसमें सही हो जाता है। साहब आजकल नॉर्मल है शुगर जी, ज़्यादातर लोगों को शुगर होता है जी, उसको क्या चीज़ मेडिसिन छोड़कर क्या चीज़ करना चाहिए जिससे जब तक उसका नॉर्मल रहेगा कुछ ज़्यादा दिक्कत? मेडिसिन छोड़ के उसको ये कि अगर मोटापा को कंट्रोल कर, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें जैसे जो ब्लड प्रेशर में जो मैंने बताया वही चीज़ इसमें लागू होगी, जिसे आपको फैटी चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा, आपको ओवर वेट नहीं होना पड़ेगा, अपने वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसे जो चीज़ हम ग्लूकोज के डाइट को इसमें परहेज करना पड़ेगा। ये सब मैदे की चीज़ है, ठीक है, आपको जैसे ब्रेड है, जंक फूड है, ठीक है, फास्ट फूड है, एक हम लोग बोलते हैं 3 white poison, ठीक है, 3 white sweet poison, मतलब जिसे मैदा हो गया आपका, चीनी हो गई, बीपी लो होने वालों के लिए क्या चीज़ इसको पूरा करने दीजिए, ठीक है ना। ये इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। ये जो वेदर चेंज हो रहा है इस टाइम पे, इससे लेकर बहुत ज्यादा स्किन डिजीजेस होते हैं, रैशेस हो जाते हैं, इन सब चीजों को लेकर ये चीज कैसे कंट्रोल की जाए, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे जी? वेदर देखिए, जो इसमें वेदर चेंज होता है तो बॉडी जो इसमें जो फंक्शन होती है, जिससे क्या नाम है कि इसमें स्किन है, वायरल होते हैं, यही सब चीज़ें, ये सब दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, ये सब दिक्कतें होती है, उससे मतलब ये इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप इस उपलब्धि पर पहुंचे हैं, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? क्वेश्चन करके फंसा दीजिए वाला, किसको श्रेय देना चाहते हैं? इसमें पेरेंट्स होते हैं पीछे से अपना वो करते रहते हैं, दोस्तों का भी सपोर्ट, दोस्तों का भी होता है और पेशेंट का भी होता है। आपने क्लिनिक का ओपनिंग किया है, इस क्लिनिक का ओपनिंग आपने किया है जी, ये बताइए कि इसमें कुछ लोग के पास पैसा होता है, किसी के पास मौजूद है, तो जिनके पास नहीं मौजूद उनके लिए कुछ आपने सोचा है? उनके लिए यही सोचा है, जितना मिनिमम उनके लिए अच्छे से अच्छा हो सके उनके लिए किया जाएगा। आपने कहा कि वो गरीबों को जी अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट और दवाई तो सब, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो सबको साथ सही। नहीं, उन्होंने कहा कि उनका मेन मोटिव ये है जी कि वो जो पुअर जो कर ना सकता हो उनको किया जाए, जिनको एक मेडिसिन उनको प्रोवाइड की जाए, जिन मतलब मुफ्त में भी उनको प्रोवाइड कराएंगे जी। तो ऐसा कुछ आपने भी शुरू किया है, मतलब ये मोटिव आपका, यही मोटिव लेके आप चल रहे हैं कि आपका मेन पर्पज ये है कि नहीं सिर्फ एक ऑफिस वो एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, बिजनेस है। मेरा मेन फॉलो ये है कि जो मिसकंसेप्शन है इस हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे, उस चीज़ को दूर करना है, लोगों को नेचर से करीब करना है। जितने लोग नेचर से करीब होंगे उतना बीमारियों से दूर होंगे, कुदरत के करीब रहना है लोगों को, जितना दूर में ये लोग आएंगे इससे उससे उनका ठीक ओके थैंक यू, उससे जो है लोगों को वो फिर वो बीमारियों से दूर होंगे। बस यही चीज़ है, मैं सबसे यही है कि सबसे एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा मैं सबको, नेचर से करीब हो जाएगी बस। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपू के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट, लखनऊ।